सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां किराएदार ने ही मकान मालिक को घर से बाहर निकाल दिया। आज मकान मालिक चादर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल सापुर निवासी कलाम अंसारी के घर में किराएदार बनकर पहुंचा मुर्शिद मियां। मुर्शिद के कहने पर कलाम अंसारी ने किरायनामा बनाने के लिए अपनी पत्नी समीमा बीबी को मुर्शिद के साथ कचहरी भेज दिया। बस इतनी ही गलती ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां चालाक मुर्शिद मियां ने कलाम अंसारी की पत्नी समीमा बीबी को रजिस्ट्रार के यहां ले जाकर पूरा मकान अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। यही नहीं, चालाक मुर्शिद मियां अनपढ़ समीमा बीबी को 9,24,000 रुपया भी देने का मामला रजिस्ट्री के समय केवाला में दर्शा दिया और पहचान के रूप में मुर्शिद मियां ने केवाला में अपने साला का हस्ताक्षर भी करवा लिया। आपको बता दें कि कलाम अंसारी ने भारतीय स्टेट बैंक से अपने जमीन के नाम पर लोन लिया है, जिसका सूद और मूल रकम आज भी वो बैंक को चुका रहे हैं। नियम के तहत बैंक ने निबंधन विभाग को 17/11/2014 को पत्र भेजकर अवगत कराया कि इस प्लॉट पर बने मकान पर बैंक का लोन चल रहा है। बावजूद निबंधन विभाग ने 18/11/2014 यानी ठीक दूसरे दिन उस जमीन का रजिस्ट्री मुर्शिद मियां के नाम से कर डाला। भुक्तभोगी कलाम अंसारी व समीमा बीबी की बात माने तो इस पूरे प्रकरण में ताई शमशेर आलम निबंधन विभाग के बड़ा बाबू प्रदीप दुबे की मिलीभगत से यह पूरा खेल रचा गया। भुक्तभोगी कलाम अंसारी ने आगे कहा कि मुर्शिद मियां रजिस्ट्री के वक्त खाली जमीन केवाला में दर्शाया है, जबकि बैंक से लोन लेकर वर्ष 2011 में ही वो उस जमीन पर मकान बना डाले थे। साथ ही कहा कि उसकी पत्नी समीमा बीबी पूरी तरह अनपढ़ है, वो पढ़ लिख नहीं सकती है, ना ही इतने पैसे गिन सकती है। भुक्तभोगी कलाम अंसारी की बात माने तो मुर्शिद मियां जालसाजी कर उनका मकान हड़प लिया है और सदर सेक्रेटरी इस्तेकार की सहयोग से बा जबरदस्ती अपने ही घर से उन्हें निकालकर सदर सेक्रेटरी ने घर में ताला जड़ दिया। साथ ही आगे कहा कि उनका ओरिजिनल केवाला अभी भी बैंक में है और मुर्शिद मियां का भी केवाला निबंधन विभाग के पास अभी भी है, परंतु कर्मचारी की मिली भगत से बगैर केवाला के ही रजिस्टर टू और जमीन का ऑनलाइन मुर्शिद मियां ने करा डाला। हद तो तब हो गई कि सभी कागजात कलाम अंसारी के पास होने के बावजूद आज कलाम अंसारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसे लेकर कलाम अंसारी जिला प्रशासन के कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, परंतु किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने आज तक कोई पहल नहीं की। एक बार फिर कलाम अंसारी ने जिला प्रशासन से न्याय का गुहार लगाया है। एंड पर मांगने गया किरदार बन के और हम से ले गया कचहरी पर और हमसे जलसाजी करके और निकलने का कोई अथी नहीं कर रहा है, ठेपा ऊपर सब ले लिया है। मतलब ठेपा ले लिया, मतलब घर का अपने नाम पर करा लिया घर? हाँ, तो ठेपा ले लिया तो अपने नाम पर नहीं करा लिया। आपको कब पता चला कि मेरा जमीन मेरा जो घर है मकान बना हुआ है तो वो अपने नाम पर करा लिया? पता चला जब हम देख रहे हैं कि वो रहने लगा, वो हम आए हैं तो देख रहे हैं, उसी से पता चल गया। वो निकल नहीं रहा है? वो नहीं निकल रहा है, कि हम नहीं निकलेंगे अब। अच्छा, जो कचहरी लाया था आपको क्या बोल के लाया था? अग्रीमेंट करके लिए बोला था। एग्रीमेंट करने के लिए? हाँ। किस चीज़ का एग्रीमेंट? मकान के, मतलब कि हम रहेंगे 6 महीना? हाँ। अच्छा, तो उस मकान पर बैंक का लोन भी है क्या? हाँ, लोन है। लोन पूरा भरा गया? नहीं। अच्छा, क्या कौन लोग हैं जो आपके मकान पर कब्जा किए, नाम बताइए। मुर्शिद अंसारी। मुर्शिद अंसारी? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? समीमा बीबी। अभी तक इसे जो मकान पर कब्जा के बारे में कहाँ कहाँ तक आवेदन दिए?
हम सगरे दे दिए मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। डीसी एसपी थाना दार उभर दे दिए, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं, हमको कोई सुनवाई नहीं दिया। मामला चल रहा है कि हमरा मुर्शिद मियां हमसे 8 तारीख आया था किरदार के नाम पर, 8/11/2014 को आया। हम पत्नी के कहे कि ठीक है 6 महीने के लिए अग्रमेंट कर दीजिए, हम उसको अग्रमेंट कर ले रजिस्टर, लॉटरी अग्रमेंट कर ले भेजे थे। मेरे पास कोई पेपर नहीं था, आधार कार्ड पत्नी के घर है, सारा चीज़ घर रह गया। और हम भेजे, भेजने के बाद उसने कहा किया कि रजिस्ट्रार के यहाँ हमारे पत्नी के ले जाके अपना दोनों साला का पहचान बना करके और शमशेर एगो ताइद, उसको बार बार हम कहे कि बैंक का लोन है और नहीं, कहा कि कुछ नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगा, और फिर भी जाके करा दिया रजिस्ट्री। 17/11/14 को बैंक को एक लेटर दिए कि बैंक के खाता प्लॉट के साथ ही ये बैंक में के वाला है, इसको रोका जाए। 17 तारीख के रजिस्ट्रार के बड़ा बाबू कहें कि इस पर लोन है, रोका गया। और 18 के कैसे रजिस्ट्री हुआ इसका प्रमाण चाहिए। और 9,24,000 रुपये मेरा पत्नी के 9,24,000 रुपये जो दिया है नगद दिखाया है उसको प्रमाण हमको चाहिए, रजिस्ट्रार बाबू से चाहिए और शमशेर ताइद से चाहिए कि 9,24,000 रुपये ने आप लोग नगद लेकर के किसको दिए। और 9,24,000 के बाद भी इन लोग छिपा के रखा, कोई पेपर नहीं दिया कि हाँ अग्रमेंट भी हुआ है, और अग्रमेंट के बाद भी लोग नहीं कहा कि कोई पेपर है, यहाँ कोई भी नहीं किया। बैंक आज कहाँ से निकल गया, घर कब्जा किया है, सदर सिगरेटी द्वारा ताला मारा गया, जिकरा में सदर सिगरेटी ईर्षा इस्तखार इसको बार बार कहें, वो दौड़ दौड़ के ताला मारा है। 16 में रमजान महीना में हमारा पूरे परिवार को निकाला गया है। आज तो कोई प्रशासन, सब प्रशासन भी हम गए हैं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। बैंक में अभी भी के वाला है और कैसे रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्रार साहब से हमको पूछना है कि लोन रहते अपने दो दो को, एक नहीं दो को बैंक गिरवी किया हुआ रजिस्ट्री किए हैं। अभी फिर क्या समस्या हो रही है? समस्या हम लोग बाहर हैं, 6 परिवार हैं, नहीं मानेगा तो कल हम धरना पर बैठेंगे, आत्महत्या करेंगे। जब जमीने लोन कहाँ से हम भरेंगे, जबकि मेरे पास पैसा नहीं है तो जमीन लोन कहाँ से भरेंगे। बैंक का बोर्ड तोड़ा गया, थाना को दिए गए, चैनपुर थाना को लिखित दिए थे कि बैंक का बोर्ड तोड़ दिया लोन के रहते हुए, तो चैनपुर थाना के साहू जी नहीं सुने, कहीं कि नहीं 107 कर दिए हैं। कैसा 107 के अगला आदमी रह रहा है, अभी भी रह रहा है, अभी रह रहा है, किरदार अथी रख दिया है, दमन के साथ रह गया है, हम उसका सारा पेपर दिए हैं, उसका केवाला भी नहीं है, दाखिल खारिज भी हो गया। वाह रे कर्मचारी संतोष सुकुल, 27/5/15 को हम जबकि आवेदन दिए हैं कि बैंक लोन है, रजिस्ट्री दाखिल है, रोका जाए। अभी 2015 में 10 तारीख को आवेदन दिया, 28 तारीख के दाखिल खारिज हो गया बिना इंक्वायरी के, अनपढ़ लेडीज ठेपा देता है इंक्वायरी में, संतोष शुक्ल से पूछा जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कलाम अंसारी नाम हुआ।